एजेंट 3D आर्टिस्ट चैनल। आज हम करने वाले हैं स्क्विड गेम जो कि सीजन 3 आ रहा है उसके ऊपर हम सीधे ऐड बनाने वाले हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाऊंगा। और ये हमारी रेफरेंस है, तो इसको मैंने इमेज सीक्वेंस में निकाल के रखा हुआ है क्योंकि उससे ट्रैकिंग थोड़ी बेटर हो जाती है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर और ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, आफ्टर इफेक्ट खोल लेता हूँ अपना। तो हाँ, ये रही हमारी स्क्विड गेम। तो इसको हम क्या करेंगे, 25 FPS पे कर लेंगे राइट क्लिक करके, और फुटेज यहाँ पर मेन और 25 FPS पे रख लेंगे इसको। और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉम्पोजिशन बना लेंगे। कॉम्पोजिशन बनाने के बाद हम यहाँ पर ये ट्रैक कैमरा कर देंगे इसको। अगर तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रैक कैमरा कर देते हैं। अगर ये आपको यहाँ पर शो नहीं करता तो आप विंडो में जाकर यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, हमारा ट्रैक कैमरा कर देते हैं इसको। और ट्रैक कैमरा करने के बाद हम एडवांस के अंदर जाकर यहाँ पर जो ऑटो डिटेक्ट है इसके अंदर हम मोस्टली फ्लैट सीन कर देंगे इसको। तो हाँ जी, हमारा यहाँ पर ये सीन ट्रैक हो चुका है और हमारे पास काफ़ी ट्रैकर पॉइंट आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका ट्रैकर पॉइंट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और सॉलिड एंड कैमरा कर देंगे। और इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, इससे साइज को छोटा करने के बाद हम इसको ना थोड़ी सी अलाइनमेंट इसके हिसाब से कर देंगे जो हमारी यहाँ पर रोड है। और इसको कुछ यहाँ पर और यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम इस कैमरे को और सॉलिड को हम फाइल और स्क्रिप्ट और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे ब्लेंडर के लिए। और यहाँ तक हमारा आफ्टर इफेक्ट का काम खत्म हो चुका है, अभी हम ब्लेंडर खोल लेते हैं, आफ्टर इफेक्ट को कर देते हैं बंद। तो हाँ जी, हमारा यहाँ पर ब्लेंडर खुल चुका है और अभी हम क्या करते हैं, हमारी फाइल को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं जो हमने आफ्टर इफेक्ट से एक्सपोर्ट करी है। और ये रही है यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट 2। तो हाँ जी, हमने हमारा जो कैमरा था और सॉलिड को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है। और यहाँ पर हमारी जो एम टी है कैमरे की, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्ट कर देंगे और शिफ्ट ए यहाँ पर एक एम टी क्रिएट करेंगे और हमारे सीन को सीधा करेंगे जिससे हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको हम हमारी जो न्यू एम टी ली है इसके साथ पेरेंट कर देंगे। पेरेंट करने के बाद अभी हम हमारा जो कैमरा है वर्टिकली है और ये हॉरिजॉन्टली है, तो हम इसका डायमेंशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 1080x1920। और यहाँ पर हम डाटा के अंदर जाकर बैकग्राउंड इमेज और एड इमेज के अंदर जाकर और ये रही हमारी इमेज सीक्वेंस। और इसको यहाँ पर प्रेस ए और ओपन इमेज कर देते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करने के बाद और हमारी ओपेसिटी को इसको बढ़ा देते हैं। ओपेसिटी को बढ़ाने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा बेसिक बेसिक सा मॉडल यहाँ पर इस चीज़ का बना लेते हैं। एडिट मोड पे चलते हैं और एज सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्या करते हैं, हम सेकंड विंडो खोल लेते हैं। सेकंड विंडो खोलने के बाद यहाँ पर चलते हैं टॉप व्यू के अंदर। और टॉप व्यू के अंदर जाने के बाद हम क्या करते हैं, G2 और ऑल्ट प्रेस करके हम इसको आगे की तरफ ले चलते हैं इसको। और इसको भी सेम G2 और इसको हम आगे की तरफ ले चलते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से G2 और ऑल्ट प्रेस करके इस तरफ इसको ले चलेंगे हम हमारे प्लेन को। और यहाँ पर क्या करते हैं, Shift G जिससे ये वायर फ्रेम में आ जाएगा। और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के लिए क्या करेंगे, हम एज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, G Z और सेम यहाँ पर G और Z। हाँ जी, और यहाँ पर क्या करेंगे, E और यहाँ पर थोड़ा सा हम एक्सट्रूड करेंगे ऊपर की तरफ G ट्रैक्शन के अंदर। और यहाँ से E और G
इस तरफ हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड करने के बाद अब क्या करेंगे, ई और जेड के अंदर हम इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के बाद हम एक बार और ई और जेड और यहाँ तक इसको एक्सट्रूड करने के बाद अभी हम पहले क्या करते हैं, हमारा जो सीन है इसको हम सीधा कर लेते हैं। जो हमारी एम्प्टी है इसको सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट जी दबा के हम ये देखो हमारा जो सीन है काफ़ी टेढ़ा जा रहा है, और रोटेशन रोटेशन के अंदर जाकर इसको थोड़ा सा हम सीधा करेंगे यहाँ पर, और सेम यहाँ पर भी। और यहाँ पर हम पहले इसको इस तरफ मूव करवाएंगे, और यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। और यहाँ से इस तरफ पर, तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये सीधा हो चुका है हमारा सीन, और यहाँ से भी सेम वैसे ही दिख रहा है। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने हमारा मॉडल है, और टैब दबा के एडिट मोड कंट्रोल आर, और इसको हम आगे की तरफ यहाँ तक ले चलते हैं, और कंट्रोल आर, और इसको हम यहाँ तक ले चलते हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेस 3, और जो ये इसका एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम इसको इसको और ये चीज को सिलेक्ट करके ई और एक्स ये कर दिया। और अभी हमारा ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडल ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे जी और वाई, सॉरी जी और जेड, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है हमारा इसको हम नीचे की तरफ ले चलेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए हमारा ये मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो मॉडल हैं, हमारे जो सीजे मॉडल हैं, उनको यहाँ पर हम इम्पोर्ट करवाते हैं। और उसके लिए मेरे पास यहाँ से मैंने पहले ही कैजफैब से निकाल के रखे हैं। अगर आपको उनका लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन दोनों का, ठीक है ना। तो आप वहाँ से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये डॉल कुछ यहाँ पर आ गई है, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ और थोड़ा सा स्केल इसका बड़ा कर देंगे। और उसके बाद ये रहे हमारे गार्ड्स। हाँ जी, तो ये कुछ यहाँ पर इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हम इन दोनों को बंद कर देते हैं, और शिफ्ट जी प्रेस करने के बाद हम इनको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, बड़ा करने के बाद अभी हम क्या करते हैं, हमारा मटेरियल भी ऑन कर लेते हैं, और इनका टेक्सचर वगैरह देखते हैं कि ये टेक्सचर सही है या नहीं। थोड़ा बहुत अगर काम करना होगा तो हम इसके ऊपर काम कर सकें जो। और शेडर एडिटर खोल लेते हैं यहाँ पर हमारा। फिलहाल के लिए तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं हमारा जो रेंडर है, और रेंडर के अंदर हम ईवी की जगह करते हैं साइकिल, और सीपीयू की जगह करते हैं जीपीयू, और यहाँ पर कर लेते हैं डिनोइस, और सैंपल पॉइंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पर चलते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, विजिबिलिटी और शेडो कैचर। तो हाँ जी, हमने यहाँ पर शेडो कैचर लगा दिया है हमारा, और अभी हम क्या करेंगे, हमारा लाइटिंग करेंगे इसके अंदर। और उसके लिए क्या करता हूँ, पहले मैं हमारा यहाँ पर व्यू पोर्ट शेडिंग ऑन कर लेते हैं यहाँ पर रेंडर व्यू, और रेंडर व्यू ऑन करने के बाद हम करते हैं यहाँ पर न्यू, और सॉरी न्यू, और न्यू करने के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड, और यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट ए स्काई टेक्सचर ले लेंगे हमारा जो नॉर्मली ब्लेंडर के अंदर ही होता है, और यहाँ पर इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे।
कनेक्ट करने के बाद हमारा जो यहाँ पर एवोल्यूशन है इसको क्या कर देंगे 12.5, और इसको क्या करेंगे -76.5। हाँ जी, तो ये कुछ इस तरीके का ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर हमारी जो सन के अपेस्टी है इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे 0.3, और यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को कर देंगे 0.4। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हमारा रेंडर है जो, इसको यहाँ पर फिल्म के अंदर जाकर ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ से इसका जो एम्प्टी है इसको सिलेक्ट करते हैं जी, और जेड इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं और यहाँ पर रखते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ना हमारी शेडो वगैरह नहीं आ रही अच्छे से, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने ये, अगर अब मैंने क्या करा, पहले यहाँ पर नोड ले लिया था एक, और नोड लेने के बाद यहाँ पर जो इसका बेस कलर है जो हम है ना, इसको हम क्या करेंगे ब्लैक कर देंगे। और ये देखिए आपको यहाँ पर शेडो इसकी शो होनी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर मैं इसको हाइड, इसको अभी मैं अगर इसको मैं अभी वाइट कर दूं तो ये हमारी शेडो नहीं आएगी। और यहाँ से हाँ जी, तो ये देखिए हमारी यहाँ पर शेडो अच्छे से आ रही है, और ये सीन भी कुछ हमारा वैसा ही दिख रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे 0.3, यहाँ पर 0.45, हाँ जी इतना ठीक रहेगा। क्योंकि ये देखो हमारे ये डॉल के पीछे से हमारी सनलाइट आ रही है, और यहाँ पर हमारा सीन में भी वैसी ही लाइट शो हो रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, डाटा के अंदर जाकर शेडो कैचर ऑन कर दिया मैंने, और यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर जाकर इसकी मैं क्या करता हूँ 0, और ये देखिए हमारा सीन की लाइट भी सेम वहीं से ही आ रही है। और अभी हम क्या करते हैं इसको एक फाइनल रेंडर करके देखते हैं। फाइनल रेंडर करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंपोजिटिंग कर लेते हैं, और यूज नोड, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो हमारा ये वीवर नोड आ जाएगा, और शिफ्ट दबा के राइट क्लिक होल्ड करेंगे तो हमारा ये कनेक्टर आ जाएगा। शिफ्ट ए अल्फा, यहाँ पर अल्फा ओवर ले लेंगे और इसको नीचे वाले से कनेक्ट कर देंगे। शिफ्ट ए मूवी, मूवी क्लिप ले ली यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे ओपन, और यहाँ पर जो हमारी इमेज सीक्वेंसी यहाँ पर इसके ऊपर हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद अभी क्या करते हैं, शिफ्ट ए स्केल, और यहाँ से रेंडर व्यू ऑन कर देंगे। और उसके बाद तो हाँ जी, ये देखिए हमारा रेंडर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो हाँ जी, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी वीडियो यहाँ तक कैसी लगी है। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।